नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के शहपुरा में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जबलपुर पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम हल्कू गौड़ है, जो कि बच्ची के घर के सामने रोड पर टपरिया बनाकर अपने परिवार के साथ रहता था। घटना 21 मार्च रात की है, जब आरोपी हल्कू बच्ची के घर पहुंचा, जहां वह अपने माता पिता के साथ सो रही थी। आरोपी ने सोती हुई बच्ची को उठाया और फिर गन्ने के खेत में ले जाकर मासूम के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी बच्ची को रात के अंधेरे में बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने गांव के पास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक युवक को जाते हुए देखा। संदेह के आधार पर पुलिस ने जब हल्कू को हिरासत में लिया और पूछताछ की, तो वह लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा। आखिरकार जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। गन्ने के खेत में पुलिस को जो चप्पल मिली थी, वह भी आरोपी की ही थी। फिलहाल पुलिस ने 10,000 के इनामी हल्कू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी को सोमवार को कोर्ट में पेश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर। तो विदित है, थाना शाहपुरा अंतर्गत एक बड़ी एक सनसनीखेज एक घटना थी, जिसमें कि 3.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कृत्य हुआ था और जो आरोपी था वो अज्ञात था। ये एक बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए कि उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। एक तो घटना खुद में भी काफ़ी एक निंदनीय है और आरोपी भी अज्ञात था। इसको चैलेंज के रूप में लेते हुए हमारे जबलपुर पुलिस के समस्त अधिकारी, विशेषकर एडिशनल एसपी क्राइम समर वर्मा, एडिशनल एसपी रूरल शिवेज बघेल, एसडीओपी सारिका, क्राइम ब्रांच की टीम, विवेचक एसडीओपी सियोरा और स्पेशली विजय शुक्ला और उनकी टीम, बधाई की पात्र है कि जो उन्होंने आरोपी को आइडेंटिफाई कर उसके गिरफ्तार किया गया है। इसमें आरोपी जो है वो हल्कू गौण, उम्र 22 वर्ष, ग्राम नटवारा का ही निवासी निकला है। उल्लेखनीय बात इसमें यह है कि ये जो आरोपी है, ये जो विक्टिम का घर है उससे बहुत दूर नहीं रहता, वहीं रोड क्रॉस करके रोड के दूसरे पार इसका भी टपरा है और ये भी खेत पे मजदूरी करता है। जो कुल मिलाकर के अभी तक की पूछताछ में ये चीज़ क्लियर हुई है कि ये अपने साथ शराब पी कर के कच्चा जो चिकन था वो इनके पास था, तो उसको पकाने के लिए ये विक्टिम के घर गए थे, क्योंकि पूर्व में भी वो विक्टिम के पिताजी माताजी से मिल करके पहले भी वो चिकन इनके साथ पका चुके हैं। तो उस दिन ये शराब पिए हुए थे जो आरोपी हैं हल्कू गौण, और इस कारण से वो वहाँ गए। लेकिन चूंकि वो शराब के नशे में थे, शराब के नशे में इनके द्वारा ये दुष्कृत्य। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।